अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है, मैं बैलून से ताहिर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज ये हमारे पास एक मॉडल आया हुआ है सैमसंग का J7। तो दोस्तों इस सीट का मसला ये है कि ये हैंग ऑन लोगो है, ये देखो ये लोगो पे हैंग। ये बहुत ज़्यादा टाइम कस्टमर का कहना है कि बाज़ दफ़ा ये एक घंटा बाद दो घंटा बाद जो है इस तरह ऑन रखो तो ये आगे भी चला जाता है दोस्तों, और फिर जब आगे जाता है दोस्तों तो ये फिर भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैंग होता है। तो दोस्तों आज हम इसका मसला हल करेंगे और साथियों को साथ में वो समझाने की कोशिश भी करेंगे दोस्तों कि इस मसला को आप कहाँ से हल कर सकते हो। तो दोस्तों उसका कहना है कि पहले एक शॉप पे ले गए था जो कि हमारा एक साथी है, उसने सॉफ्टवेयर भी करवाया इसमें, लेकिन सॉफ्टवेयर से इसका मसला हल नहीं हुआ। तो जब मैंने दोस्तों ये कस्टमर से मालूम की तो उसका कहना ये था कि ये मैंने इसका जो है ना ये यूनिट चेंज किया, इसका LCD टच चेंज किया, यूनिट चेंज किया, तो ये LCD पैनल चेंज किया, तो उसके बाद से ये मसला बन रहा है इसका। तो दोस्तों आज हम आप साथियों के ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये मसला आप कहाँ से हल कर सकते हो, खुसूसी उन साथियों के लिए जो कि यूनिट चेंज करते हैं, महंगे महंगे यूनिट चेंज करते हैं, फिर बाद में ये मोबाइल में ये मसला बन जाता है दोस्तों, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। तो उन साथियों के लिए खुसूसी आज ये वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें चंद ट्रिक हम आपको बताएंगे दोस्तों, 4-5 ट्रिक इसके साथ जो है ना आपका ये मसला हल हो सकता है। ये देखो दोस्तों इतने टाइम में ये आगे नहीं जाएगा, चला गया, वैसे का वैसा जो है ना हैंग है दोस्तों। तो दोस्तों इस मसले को हम हल करते हैं, ये सीट को हमने ऑलरेडी कोड रखा है ताकि टाइम थोड़ा सा लगे दोस्तों। तो दोस्तों ऑलरेडी तो हमें पता चल गया है कि कस्टमर का कहना है कि यूनिट चेंज करने के बाद हमारा ये मसला बन गया है, और जिस साथ ने यूनिट चेंज किया वो कह रहा है कि ये सॉफ्टवेयर का मसला है, तो उसने अपने पैसे लेके कस्टमर को सीट इस तरह ही दे दिया। तो दोस्तों तो महंगी से यूनिट होता है, बाद में जो है ना वो रिटर्न भी नहीं हो सकते क्योंकि वो स्टिकर वगैरह हटा लेते हैं। तो चलो दोस्तों इसको जो है ना यहाँ हेड मशीन पे रख लेते हैं, हेड मशीन का हेड हमने दोस्तों 100 के ऊपर रखा है, पंप हमने ऑन किया दोस्तों, अब तकरीबन 10 मिनट हम इसको देने वाले हैं क्योंकि गम वगैरह इस पर हमें पता नहीं कि कितना लगाया हुआ है। तो चलो दोस्तों हमने इसको 10 मिनट दे दिए और 10 मिनट के बाद हम ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी हद तक गर्म हो गया है दोस्तों। तो हमने कस्टमर से ये डिस्प्ले रिस्क भी नहीं लिया है, तो इसको आसानी से हम जो है ना आप ले लेना है रिस्क लाजिमी दोस्तों। तो हम यहाँ एहतियात से इसको अभी खोलने वाले हैं कि हमने, क्योंकि हमने इसका डिस्प्ले रिस्क भी नहीं लिया कस्टमर से दोस्तों। आपने जब भी यूनिट को खोलना हो तो आपने रिस्क ज़रूर लेना है, फिर एक्सरे या जो 90 पट्टी के साथ जो एक्सरे आता है उसको आप यूज़ कर सकते हो, या कोई भी जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हो पहले से तो उससे आप इसको खोल सकते हो। जहाँ भी जो है ना एक्सरे फंस जाए तो हमने जोर इस पर नहीं करना है, और पेट्रोल डालना है तो ये नरम हो जाएगा दोस्तों, ये गर्म भी है और ऊपर से पेट्रोल भी चला जाता है, तो आसानी से ये जो है ना हो निकल जाता है दोस्तों। और ये ओरिजिनल क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का यूके वाला जो है ना ये हमारा यूनिट है, तो इसलिए हम पेट्रोल डाल रहे हैं। अगर यू GST पे होता तो हमने पेट्रोल बिल्कुल नहीं डालना दोस्तों, वरना डिस्प्ले के अंदर दाग बन सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों ये आसानी से खुल गया, जहाँ भी ये फंस जाता है तो हम वहाँ पे पेट्रोल डाल लेते हैं, तो ये नरम होके आसानी से निकल जाता है दोस्तों। तो इस तरह ही अपने यूनिट को निकालना है दोस्तों, और ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे फंस गए तो इसको हम निकालने वाले हैं। तो दोस्तों आपने एहतियात करना है और कस्टमर से आपने रिस्क ज़रूर लेना है दोस्तों। और ये देखो ये आसानी से खुल गया दोस्तों, ये यूनिट चूँकि चेंज है और जिसने भी लगाया बहुत ज़्यादा गम इस पर जो है ना इस तरह जगहों पे लगाया है जहाँ पे लगाना ही नहीं चाहिए था। तो दोस्तों जब भी आपके पास इस तरह मसला है तो सबसे पहले आपने इसे टच रिमूव करके देखना है दोस्तों कि हमारा मसला टच में है या यूनिट में है दोस्तों, अगर LCD में है या टच में है दोस्तों। अगर LCD में मसला हो तो उसके लिए अलग ट्रिक है, अगर टच में मसला हो दोस्तों तो उसके लिए हम आपको अलग ट्रिक देने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपने इससे करना क्या है दोस्तों, LCD के जो कनेक्टर जहाँ पे कनेक्ट है वहाँ से जो है ना रिमूव करना है दोस्तों। हमने इससे टच रिमूव कर लिया, वैसे ही उसका जो है ना ये पट्टी हमने निकाल ली दोस्तों ये टच की। अभी इसमें बैटरी डाल के हम चेक करेंगे कि हमारा जो मसला था वो हल हुआ कि नहीं, ये जो हैंग ऑन लोगो था अभी मसला हल हुआ कि नहीं दोस्तों। तो टच हमने इससे जो है ना डिसकनेक्ट कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों अभी पावर बटन प्रेस करते हैं और देखो ये सीट ऑन हो गया। तो दोस्तों ये सैमसंग मॉडल में ये मसला ज़्यादा आया हुआ है दोस्तों, और उन मॉडल में जिसका जो है ना वो यूनिट चेंज किया जाए तो ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी हवाई मॉडल में भी आ गया दोस्तों, और ये देखो अभी ये उस लोगों पे आ गया। अभी देखते हैं कि यहाँ से आगे ये
सेट ऑन हो रहा है कि नहीं। और देखो दोस्तों ये लोगो जो है ना वो डिम हो रहा है और फिर जो है ना ज़्यादा हो रहा है, तो ये मतलब ये ऑन होगा। और ये देखो दोस्तों ये डिस्प्ले पे चला गया और हमारा जो मसला था वो हल हो गया दोस्तों। तो हमें पता चल गया कि हमारा मसला टच में है दोस्तों। तो आप टच को किस तरह रिपेयर करना है साथ दोस्तों, तो अभी हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि ये टच में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं रजिस्टर कैपेसिटर, इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट्स वो शार्ट होने की वजह से ये मसला बन सकता है। तो हम इसके जो है ना एक एक कंपोनेंट्स को चेक करेंगे, जहाँ भी जो है ना ये टच में जो एसी लगी हुई है इसके पास कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं दोस्तों। तो ये मसला टच एसी से नहीं बनता दोस्तों, ये इन कंपोनेंट्स से ही बनता है दोस्तों। और कंपोनेंट्स पे हमने वीडियो बनाए हुए हैं कंपोनेंट्स को किस तरह चेक करना है दोस्तों, तो वो आप देख के समझ सकते हो। और ये जो है ना ये कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा, ये बिल्कुल ओके है क्योंकि 100 से ज़्यादा इस पर वैल्यू शो हो रही है दोस्तों। और ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको भी सही तरीके से चेक करते हैं दोस्तों। और एक तरफ पे वैल्यू शो ना करे तो हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। और ये बराबर ये हमें वैल्यू दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एक और लगा हुआ है, इसको भी चेक करते हैं और ये भी बिल्कुल सही तरीके से वैल्यू दे रहा है दोस्तों, तो हम इसको भी सही मानेंगे दोस्तों। और यहाँ पे भी एक जो है ना लगा हुआ है हमारा एक कंपोनेंट्स, तो इसको भी चेक करते हैं। एक साइड पे वैल्यू शो ना हो तो हम प्रॉप्स उल्टा करेंगे और ये भी बिल्कुल सही वैल्यू शो हो रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट्स हमारे ओके है। तो ये आपस में जो है ना ये लिकेट वगैरह बनने से जो है ना ये मसला बन सकते हैं। तो अगर ये सारे कंपोनेंट्स ओके हो दोस्तों तो आपने इसको रिमूव बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई कंपोनेंट शार्ट हो तो उसको रिमूव करना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह वॉश करके थोड़ा सा इन कंपोनेंट्स को हीट देना है। तो ये हमने वॉश करके दोस्तों इन कंपोनेंट्स को थोड़ा हीट दे दिया दोस्तों। और दूसरा आपने करना ये है दोस्तों, दूसरा स्टेप आपका ये है कि ये जो टच का जो दोस्तों ये जहाँ से कनेक्ट हो रहा है दोस्तों, ये कनेक्टर के साथ ये गुच्छा जो है ना आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है। ये जो पॉइंट है इसके टोटल 6 पॉइंट होता है दोस्तों। इसमें कौन सा पॉइंट किसके काम के लिए होता है दोस्तों, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि एंड्रॉयड मॉडल के टच पर, उसको भी आप देख सकते हो दोस्तों। और ये हमने अच्छी तरह साफ़ किया, अब इस कनेक्टर के साथ हमने कनेक्ट कर लिया दोस्तों। अभी दोबारा हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो मसला था अभी टच के साथ जो ये सेट आगे नहीं जा रहा था लोगों से, तो अभी वो मसला हल हुआ कि नहीं, तो चलो देखते हैं। सेट को हमने ऑन कर दिया दोस्तों, अभी देखते हैं कि ये लोगों से आगे जा रहा है कि नहीं, और फिर टच भी चेक करेंगे कि टच हमारा वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। अगर इस तरह मसला हो दोस्तों, अगर कंपोनेंट्स से और ये वॉश और ये इससे भी मसला हल ना हो, तो फिर आप इसका टच भी चेंज कर सकते हो दोस्तों। लेकिन आपको मालूम हो जाएगा कि मसला हमारा टच से है, डिस्प्ले हमारा ओके है दोस्तों। और ये देखो ये आगे भी चला गया दोस्तों और इसका टच भी बराबर काम कर रहा है दोस्तों। तो इसका मसला ये था दोस्तों कि आपस में कहीं से जो है ना ये टच हो रहे थे ये कंपोनेंट्स, तो उसकी वजह से ये मसला बन रहा था दोस्तों। तो अभी एक और भी जो है ना दोस्तों हम आपको चीज़ बताने वाले हैं, इससे भी ये मसला बन सकता है। जब से ये यूनिट मैंने खोला दोस्तों, तो यहाँ इसके इन कंपोनेंट्स के ऊपर पट्टी आती है दोस्तों, यहाँ पे भी और ये इस दूसरी तरफ भी। तो यहाँ पे हमें कोई पट्टी नज़र नहीं आई दोस्तों। तो ये जैसे ही जो है ना ये पीसीबी के साथ कनेक्ट करते हैं हम, तो ये जेएनडी के साथ टच रहता है, तो इससे भी ये मसला बनता है दोस्तों। तो इस पर हम ये स्टिकन टेप लगाने वाले, तो इस तरह ही आपने चेक करने हैं दोस्तों। अगर एलसीडी का मसला हो तो एलसीडी कंपोनेंट्स भी इस तरह चेक करने हैं, उसको वॉश करके इस तरह हिट दे सकते हो। और अगर ये पट्टी उसके ऊपर ना हो तो आप इस तरह कोई भी पट्टी आप जो यूज़ कर रहे हो इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जब हम फिट करते हैं तो ये आपस में ग्राउंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये मसला बनता है दोस्तों। तो ये बहुत सारे साथी इस मसले के लिए परेशान भी रहते हैं दोस्तों, लेकिन ये बहुत सिंपल है। ग्रुप में हमने देखा बात साथ ही जो है ना वो यूनिट चेंज करते हैं तो फिर ये मसला बन जाता है, तो यूनिट भी रिटर्न नहीं होता और कस्टमर से भी पैसे भी वो नहीं ले सकते दोस्तों। तो इस मसले में बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाई दोस्तों। तो अभी देखते हैं, इसको हमने फिट भी कर लिया और उन कंपोनेंट्स के ऊपर हमने ये डॉक्टर टेप भी लगा दिया ताकि ये आपस में शार्ट ना हो दोस्तों। तो अभी देखते हैं दोस्तों कि ये लोग इसे आगे चला जाता है कि नहीं है, और हमारा जो मसला था वो ये देखो दोस्तों आगे चला गया। और अभी टच भी इसका चेक करते हैं दोस्तों कि वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। और ये देखो दोस्तों ये टच भी इसका काम कर रहा है दोस्तों। तो उम्मीद है आप साथ ही समझ गए होंगे कि जब भी आपके पास इस तरह मसला है तो आपने किस तरह चेक करना है। सबसे पहले टच को रिमूव करना है, फिर टच के आ रहे एक एक कंपोनेंट्स को चेक करना है, अगर वो सही हो तो रिमूव नहीं करना है, सिर्फ वॉश करके हट देना है। अगर एलसीडी में मसला हो तो उसकी भी यही प्रोसेस है।